गुड मॉर्निंग। तो इस समय बज रहे हैं मॉर्निंग के 4। ये देखिए मॉर्निंग के बज रहे हैं 4 और हम लोग को इस समय निकलना है। एक्चुअली निकलने वाले थे कल रात में ही हम लोग, बट भैया जो हैं मेरे, जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से, तो उनको काफ़ी लेट हो गया है, तो हम लोग इस समय नहीं जा पाए शाम को। तो अब हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग को जाना है लखनऊ टू दिल्ली नोएडा में। उसके बाद वहाँ पर दीदी है मेरी, तो एक दिन हम लोग वहाँ पर स्टे करेंगे दीदी के यहाँ। उसके बाद वहाँ पर मैं बताऊँगी कि हम लोग वहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मेरा मैं हो गई हूँ रेडी, तो मैं फटाफट यहाँ से निकलती हूँ। हम लोग अभी कुछ देर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करे हैं। अभी हम लोग बैठे हैं, थोड़ा सा चाय वाय सोच रही हूँ पी ले, घर से ही मैं ले आई थी बना के। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए इनको पीछे बैठा गया है, ये सो रहे हैं। ये हाय तो बोल, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे हस्बैंड ने अच्छा रिएक्ट किया। ये पाकी हम पहुंच भी दिए। टाइम हो रहा है 10:30। हुआ क्या कि हम लोग 3-4 जगह स्टॉप करते हुए आए, तो थोड़ा वहाँ पे टाइम लग गया है, बट अब हम लोग पहुँच गए हैं आगरा।
अब हम लोग नोएडा में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ देखिए थैंक्स टू गॉड कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं था, लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, नहीं तो यहाँ के ट्रैफिक में ही दो दो घंटे लग के खड़े होना पड़ता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। बट हम लोग को वहाँ पे एक ही जगह ट्रैफिक यहाँ पे हम लोग जो दीदी के घर के साइड में रोड जाती है वहाँ पे एंटर कर चुके हैं, जहाँ उनका फ्लैट है उस साइड में रोड जा रही है। ये हम लोग उनके अपार्टमेंट में एंटर कर चुके हैं और ये उनके पार्किंग एरिया है, हम लोग जा रहे हैं अंदर, फिर अब जाऊंगे ऊपर। दीदी एक्चुअली इस टाइम पे रहती नहीं है, उनका ऑफिस वगैरह रहता है तो भैया ही रहते हैं। हम लोग उनके रूम के अंदर एंटर कर दिए हैं, ये है उनका रूम। तो ये देखिए हम लोग आ गए थे, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके शावर वगैरह लेके हम लोग बैठे हुए थे। तो ये मेरे भैया हैं, देखिए हम थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं हम लोग। और नोएडा में हम आए हैं अपनी बहन के यहाँ। सुनिए बड़े भैया, और ये हमारी दीदी हैं, ये हमारी भाभी हैं, और ये हमारे बड़े भैया हैं, सबको मिलाते हैं आपसे। सब कर रहे हैं दीदी के घर पे, ये हमारे बड़े भैया है, हमारा घर है भाई ना, अपना क्लास रूम है, एक क्लास का है, और एक खांसी आ गई के बाद, हंसी मजाक होने के बाद ये हम लोग लंच कर रहे थे। दीदी थी नहीं और मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मैं नहीं दिखी, अब मैं आप लोग को दिख गई। हेलो, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी दीदी के घर और हम लोग आके फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे का हम लोग निकले हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, हम लोग को थोड़ा लेट भी हो गया था, तो हम लोग ऑलमोस्ट 12 बजे तक यहाँ पे पहुँचे।
उसके बाद हम लोग आए, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए, लंच वगैरह हुआ। अब मैं फ्री हूँ और हम लोग अभी बैठे हैं, और दीदी अभी है नहीं, वो ऑफिस गई हुई हैं, वो इवनिंग में आएंगी। तब तक मैंने सोचा कि लो एक छोटी सी क्लिप बना लेती हूँ, मैं और ये मेरी देवरानी हम लोग बैठे हुए हैं रूम में। तो फिर अभी दीदी आती हैं तो देखते हैं आगे का क्या प्लान है, कैसे प्लान है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। ये देखिए, ये दीदी के घर की बालकनी है, ये एक साइड की है, अभी एक साइड की और है। तो कितना अच्छा है इधर देखने, मतलब काफ़ी ऊपर हैं लोग, और कितना अच्छा इधर से देखने में लग रहा है। इधर देखिए, ये सारी पूरी अगल बगल सारी बिल्डिंग है, और नीचे का वो गार्डन देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लुक आ रहा है। और ये देखिए इनकी दूसरी बालकनी का लुक है, ये देखिए कितना अच्छा है ना। ये नीचे बच्चों का प्ले ग्राउंड भी है, ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बट अभी मैं अपनी बेटी को लेकर जा नहीं सकती, मेरा मन तो कर रहा है बट नहीं जा सकती है इस समय, बस यहीं पे हूँ, कहीं जाना नहीं है लोगों का। और ये मेरी दीदी की थर्ड बालकनी है, ये देखिए हम लोग बैठे हैं। और इस समय मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया, इतनी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है देखिए। सब अपने उस पे खड़े हैं, हम लोग भी खड़े हैं। यहाँ मैं और यहाँ पे दीदी आ चुकी हैं। इनसे मैंने जब भैया की शादी थी तो आप लोगों को मिलवाया था, ये मौसी जी की बेटी हैं। नहीं तो आपने कहाँ खड़ी की थी, मैं पार्किंग में। हेलो, ये इवनिंग में हम लोग ने, दीदी थी तो हम लोग ने ये सोचा कि चलो थोड़ा सा ऐसे ही गाड़ी के अंदर से ही घूम लेते हैं। तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा मस्ती करने घूमने निकल गए, मैं मेरी देवरानी और ये रात में हम लोग जब घूम घूम के आए दीदी के साथ, ये रात में हम लोग ने अंडा करी बनवाई थी, तो वो हम लोग रात का डिनर कर रहे हैं, और इसको करने के बाद हम लोग फटाफट सो जाएंगे क्योंकि हम लोग को सुबह कहीं जाना है। बिरयानी कैसी लगती है, आगे वाली बिरयानी? मटन और